आज का हमारा टॉपिक है फील्ड्स पार्ट 5। आज की इस वीडियो में हम फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर हम बी और सी को जमा करके ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए को बी से मल्टीप्लाई करके और ए को सी से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को जमा कर दें, तो जवाब एक ही आएगा। ये थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ए और बी को जमा करके सी से मल्टीप्लाई कर दें, या ए को सी से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें और फिर इनको आपस में जमा कर दें, तो जवाब वही आएगा जो a प्लस बी इंटू सी का आया था। अब हम इस टॉपिक की आखिरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। c इंटू ए बी इज इक्वल टू सी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी बी। हम अगर a और b को मल्टीप्लाई करके c से मल्टीप्लाई करें, या c को a से मल्टीप्लाई करके b से मल्टीप्लाई करें और c को b से मल्टीप्लाई करने के बाद a से मल्टीप्लाई करें, तो तीनों के जवाब एक ही आएंगे। आइए इसको एक मिसाल की मदद समझते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एक मैट्रिक्स है और बी इज इक्वल टू 3, 4, 1, 2 एक मैट्रिक्स है। सी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 1 एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। सी इंटू ए बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा 5, 8, 13, 20। अब इस मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये मैट्रिक्स आएगा 13, 20, 7, 6। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। सी ए इंटू बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा 3, 4, 2, 12। अब इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा 13, 20, 7, 16। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब एक ही आया है। अब इसकी आखिरी इक्वेशन को आप खुद सॉल्व करके दिखाएं और देखें कि वही जवाब आया है जो बाकी दोनों का था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2, 0, 1, 1, 4, 2, 3, 0, 6, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1, -1, 0, 2, 3, -1, 1, -2, 3। तो पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो कॉलम ऑपरेशन से करते हैं। 2 × 1 + 0 × 2 + 1 × 1, 2 × -1 + 0 × 3 + 1 × -2, 2 × 0 + 0 × -1 + 1 × 3, 1 × 1 + 4 × 2 + 2 × 1, 1 × -1 + 4 × 3 + 2 × -2, 1 × 0 + 4 × -1 + 2 × 3, 3 × 1 + 0 × 2 + 6 × 1, 3 × -1 + 0 × 3 + 6 × -2, 3 × 0 + 0 × -1 + 3 × 3। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा 3 − 4 = 3, 11 − 7 = 2, 9 − 15 = 18। अब हम बी ए को फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम रो कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, जैसा कि हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन की है, जिससे हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा 1 − 4 − 1, 4 − 12 = 2, 9 − 8 = 15। तो आप देख सकते हैं कि ए बी का आंसर बी ए के बराबर नहीं आया है, तो मैट्रिक्स पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 − 1, 3, 0, 1, 0, 4, −2, −3, 5, 2, −1, then a into a का ट्रांसपोज एंड देन फाइंड the a into a का ट्रांसपोज एंड a का ट्रांसपोज। हमें इस एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमें a into a का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज फाइंड करना है।
सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज लेंगे। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोज में रो को कॉलम्स में और कॉलम को रोज में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे हमारे पास A का ट्रांसपोज ये हासिल होगा। अब हम A के ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन को हम रो कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं, तो रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, जिससे हमारे पास फाइनल सिंपलीफिकेशन के बाद ये मैट्रिक्स हासिल होगा 14 14 -5 14 21 7 -5 7 39, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो A के इक्वल आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।